हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन 41 ए सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं, आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए, आप हमें जितने समन भेज लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के हर नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें फांसी से टांग दीजिए, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे।